भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। धार के दशहरा मैदान, जहां वर्षों से परंपरागत रूप से नगरपालिका द्वारा रावण दहन का आयोजन किया जाता है, जिससे शहर की जनता बड़ी संख्या में भाग लेती है। इस वर्ष दशहरे पर धार नगरपालिका द्वारा बनाए गए रावण को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रावण का पुतला पूरी तरह नहीं जल पाया, जिसे जेसीबी की मदद से नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसे एक ओर जहां आस्था के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रावण के पुतले के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार भी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका में बड़े समझदार अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, जिनकी निगरानी में यह रावण का पुतला खड़ा किया गया। इसके उपरांत भी रावण दहन के दौरान पुतला पूरी तरह नहीं जला और उसे जेसीबी की मदद से तोड़ा गया, जो वहां उपस्थित हजारों धर्म प्रेमी जनता की आस्था से खिलवाड़ किया गया। श्री ठाकुर ने नगर पालिका द्वारा रावण पुतले के निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने की बात करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अजय ठाकुर ने कहा कि आस्था और उमंग से इस त्योहार पर पहली बार धार की जनता को दशहरा मैदान से वापस निराश लौटना पड़ा। इसके लिए नगरपालिका जवाबदार है, जिसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबित खान, FM की रिपोर्ट। कल विजय उत्सव था, जो कि धार नगर पालिका के द्वारा भी मनाया जाता है, जिसमें धार शहर के सभी लोगों की सहभागिता होती है, उपस्थिति होती है, और सभी उत्सुकता से वहां पर उसे रावण दहन को देखने जाते हैं, जिसमें धार नगर पालिका की भ्रष्टाचार सीधा सीधा दिखाई दिया है और सीधी सीधी लापरवाही उसमें प्रतीत होती है। क्योंकि हमारी धार नगर पालिका में 600-700 कर्मचारी हैं, इंजीनियर थे, सब लोग हैं, उच्च श्रेणी के यहाँ पर अधिकारीगण भी मौजूद है, जिनकी मॉनिटरिंग में रावण को अच्छा मनाया जा सकता था, पर इनकी लापरवाही से वहाँ पर हजारों की संख्या में जो जनता, हिंदू धर्म की जनता उपस्थित हुई थी, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इनके भ्रष्टाचार के कारण, इनके लालच के कारण हमारे हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंची है, जिसका जीता जागता सबूत कल हमें देखने को मिला है कि हमारे श्री राम जी के द्वारा रावण का वध जो किया गया वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं हो पाया और रावण को जेसीबी के द्वारा गिराया गया, जो कि हमारे हिंदू धर्म के साथ अपमान है। मेरा धार नगर की जनता की ओर से, धार जिले की जनता की ओर से, समस्त वहाँ उपस्थित अधिकारी और नेताओं पर से सबसे अनुरोध है कि स्वयं संज्ञान लेकर इस पर जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर कार्रवाई करते हुए आगामी समय में इस कार्य की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, धार जिला कांग्रेस प्रमुख। आपके गाँव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।